नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे की शुरुआत हम कर रहे हैं खबर बंगाल से। बंगाल में इन दिनों भड़काऊ बयानों की राजनीति तेज हो गई है। 2 दिन पहले टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने गोली मारने जैसे नारे लगाए, तो बीजेपी ने अब उसी अंदाज में जवाब दे दिया है। हुगली में हुई नारेबाजी में पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो ममता से टकराएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीर देंगे। तृणमूल के गद्दारों को सियासत का ये सबसे घिनौना चेहरा है। जहां बात विकास की होनी चाहिए थी, वहां सियासी फायरिंग शुरू हो गई है। कोई मां का लाल पैदा नहीं हुआ जो ममता से टकराएगा। जहां सरकार को मुद्दों पर घेरा जाना चाहिए था, वहां बदले की कसम खाई जा रही है। बंगाल की सियासत में इन दिनों हिंसा का बोलबाला है। मार देंगे, काट देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। जीत के लिए सियासत शब्दों की मर्यादाएं लांग रही है। सत्ता की लड़ाई में हिंसा को हथियार बनाया जा रहा है। टीएमसी के गोली मारने वाले नारे का जवाब देने में बीजेपी ने तनिक भी देर नहीं की। बुधवार को हुगली में शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में गोली का बदला गोली से देने का नारा लगाया गया था। रोड शो में जय श्री राम का नारा गूंजा, फिर गद्दारों को गोली मारने का। अब टीएमसी नेता मदन मित्रा की धमकी भी सुन लीजिए। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो छीर देंगे। मंगलवार को मिदनापुर में मंच संभाल रहे थे मदन मित्रा। जब ऐसी भड़काऊ नारेबाजी पर सवाल उठे तो नेताजी को विरोधियों की नारेबाजी याद आ गई। क्या बोल रहे, गोली मार रहे, हम तो उधर में जा रहा था, उधर से गोली मारा, स्लोगन नहीं, गोली मारा, बॉम्बिंग किया, पूरा पुलिस का सामने हुआ, प्रेस भी था। तो अभी नारा कौन लगा ये किसका बॉडी लैंग्वेज है? ए मारो, ए जय श्री राम, किसका नारा है? तो आप देख लीजिए, बंगाल की सियासत में हिंसा मानो सटीक फॉर्मूला बन गया है। हिंसा वाले भड़काऊ बयान पर टीएमसी कह रही है कि उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम तोड़ रहा है चारू मार्केट में गाड़ी, कौन जय श्री राम बोल के डंडा मार के गाड़ी मोटर बाइक तोड़ रहा है? और एक बात हम कहने चाहते हैं, अगर रोज अब कुत्ता को भी जाके काटेगा ना, लात मारेगा, एक दिन कुत्ता भी भोंक देगा। तो रोज अगर आप गोली मारेगा बोलेगा तो मुझे आत्मरक्षा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बीजेपी अमर्यादित बयानबाजी के लिए टीएमसी पर सवाल उठाती रही है। पार्टी इसे टीएमसी की संस्कृति बता रही है कि राजनीति, ममता जी की सरकार हिंसा की पर्यायवाची है। वहाँ रोज बम गोली चलती है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता रोज घायल होते हैं, अल्टरनेट डे हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कार्यालय में तोड़फोड़ हो रही है। तो कुल मिलाकर अराजकता का अवतरण ममता जी ने बनाया है, पर हमारे कार्यकर्ता दमखम के साथ वहाँ लगे हुए। आखिरकार बंगाल का हितैषी कौन है, कौन गद्दार है? सियासी संग्राम शुरू होने से पहले एक दूसरे पर निशाना लगाया जा रहा है। तृणमूल से भाजपा में आ रहा है, उसे ये लोग गद्दार बोल रहे हैं। अगर एक नेता, एक वरिष्ठ नेता अगर खुलेआम बोलता है कि किसी का सर फोड़ दो, उसका मतलब उसका खून कर दो, तो कार्यकर्ता क्या करेगा? तृणमूल कांग्रेस का जो ऐसा कार्यकर्ता का कल्चर है, वो खुलेआम बोल रहा है जिसको गोली मार दे। गद्दार कौन है? मुकुल राय गद्दार है, शुभेंदु अधिकारी गद्दार है, जो लोग तृणमूल छोड़कर आए वो लोग गद्दार है, तो उसका कॉन्टेक्स्ट भिन्न है। बीजेपी के लिए टीएमसी गद्दार है, लेकिन अमर्यादित बयान की रेस में बीजेपी नेता भी पीछे नहीं है। सुनिए पार्टी नेता सौमित्र खान का बयान। বাংলার গর্ব মমতা ব্যানার্জি তার একটা নরকের কীট অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৈরি করেছেন, তিনি কিছু তৈরি করেছেন।
हिंसा, मारकाट, खून खराबे पर सभी के दामन में दाग है। इसे लेकर कांग्रेस को बीजेपी और टीएमसी पर हमला करने का मौका मिल गया है। बराबर बोली, बीजेपी एवं तृणमूल राजनीति पार्टी क्लोन्ड हो गए, तृणमूल पार्टी जन्म हुए अंततः भावधारार प्रश्न, अर्थात जा बीजेपी ताई तृणमूल तादेर भावधारार प्रश्न। बंगाल में केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम बैठक कर रही है ताकि आगामी चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके, लेकिन बेलगाम नेता कार्यकर्ता सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उत्तरी परगना से दीपक बैद्यनाथ, हुगली से भोलानाथ साहा और कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल से खबर आप देख रहे थे और इस वक्त हमारे पास बड़ी खबर आ रही है पुणे से, जहां पर सीरम इंस्टीट्यूट में आग लगने की खबर, ये घटना अभी सामने आई है। पुणे का ये सीरम इंस्टीट्यूट जबरदस्त सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि यहां पर कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का निर्माण हुआ है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में ये तस्वीरें भी आप देखिए, आग लगने की ये घटना वहां पर सामने आई है। हालांकि ये जो शुरुआती तस्वीरें मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आग एक बड़े हिस्से में है क्योंकि आसमान में काफी दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट उसका निर्माता। पंकज खेलकर जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, कैसे आग लगी और अभी क्या हालात है घटनास्थल पर? देखिए, ये जो नया प्रोडक्शन प्लांट है सीरम इंस्टीट्यूट का जो कि मांजरी इलाके में है, वहां पर ये आग लगी हुई है। 8 से 10 दमकल विभाग की गाड़ियां, फायर टेंडर्स वहां पर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन गनीमत है कि जो प्रोडक्शन वैक्सीन का होता है वो जो उनका पहला प्लांट है जो कि हड़पसर में है वहां पर होता है। ये जो नया प्लांट है वो बंद रहा था और वहां पर और भी ज्यादा प्रमाण में प्रोडक्शन के उनके सारे प्लानिंग थे। तकरीबन 300 करोड़ की लागत से ये जो नया प्लांट है वो मांजरी इलाके में वो बनवाया था और वो इनॉग्रेट भी हुआ था। जो हर्षवर्धन मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, वो आए थे 1.5 साल पहले, लेकिन वहां पर वो वैक्सीन का अभी तक प्रोडक्शन निर्माण वहां नहीं हो रहा था। जी, जिस दौरान पंकज यहां पर आग लगी, लोग तो नहीं मौजूद थे वहां पर? देखिए, अभी तो क्योंकि वहां पे कामकाज शुरू था, कितने लोग थे ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन उधर प्रोडक्शन एज सच पूरा बड़े पैमाने पर नहीं था। सारा चीजें सेटअप करना शुरू थी। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है और वहाँ पे पूरा बड़ा सा ऑफिस भी है, वहाँ पर हेलीपैड भी है। ये बहुत ही वास्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ऐसा ऑफिस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पर वहाँ पे आग लगना यानी क्या खामियां रह गई या क्या चूक से या किस चीज से आग लगी है ये अभी स्पष्ट होगा जब फायर टेंडर जो अधिकारी है वो आधिकारिक रूप से सारा जांच करके बताए। जी पंकज, हालांकि वैसे तो आप बता चुके हैं लेकिन फिर एक बार क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर क्या परिस्थितियां थी, क्या यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा था इस जगह पर? ये जो कोविशील्ड वैक्सीन का जो निर्माण हो रहा है वो हड़पसर में जो उनका प्लांट है जो कि एक ही प्रीमाइसेस में है, लेकिन दोनों के बीच में तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है। और जो पुराना वाला उनका प्लांट है जो कि 1976 में बना हुआ है, वहां पर कोविशील्ड का उत्पादन होता है। ये जो नया प्लांट है वहां पे उनके फ्यूचर प्लांट्स थे। 300 करोड़ की लागत से ये बड़ा प्लांट उन्होंने बनाया हुआ है जो कि पुणे वाला परिवार का है और वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाने का काम शुरू था। वहीं पर जो आधार पूना वाला जो सीईओ है उनका एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी वहां पर टर्मिनल 1 के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक उन्होंने बोइंग का प्लेन खड़ा किया हुआ है। पंकज, बनाए रखें, अपडेट्स के लिए हम आपके पास लौटते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आइए लौटते हैं वापस बंगाल की खबर पर। बंगाल में चुनावी तैयारियों को लेकर इस वक्त कोलकाता में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा खुद इस मीटिंग की अगुवाई कर रहे हैं और आज की बैठक में तमाम पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। अगर बंगाल मांगो तो छीट देंगे।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा आज कोलकाता में अपने पूरे टीम के साथ और चुनावी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाते हुए ये कहा कि बीएसएफ बॉर्डर पे लोगों को धमका रही है और बीजेपी को वोट देने के लिए उकसा रही है। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से ये शिकायत की कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो खराब हो रही है, वो बिगड़ता हुआ दिख रही है और इसीलिए जल्द से जल्द सेंट्रल फोर्सेस को पश्चिम बंगाल में तैनात करने की जरूरत है। चुनाव आते ही यहाँ के लोग पूछते हैं कि हम वोट डाल पाएंगे या नहीं, क्यों इस प्रकार संशय मन में आता है, इसको निराकरण करना, लोगों को निर्भय रूप से निश्चित होकर वोट देने का वातावरण बनाना चुनाव कमीशन का जिम्मेदारी है। The communal speeches, the BJP is propagating hatred in the land of Bengal. We definitely requested the election commission to take note of that. The BJP is sending BSF to the village, nearby villages of the border, of the border. And terrorizing the people so that they vote in favor of the BJP. There is no such thing, and I don't think it will ever happen. The allegations are born out of a sense of desperation. और आइए एक बार फिर आपको हम पुणे से खबर दिखा दें। वहां पर सीरम इंस्टीट्यूट के एक हिस्से में, एक प्लांट के एक हिस्से में आग लगने की घटना सामने आई है। जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हिस्सा काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि दूर तक धुएं का ये गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि जब अपने संवाददाता से हमने बात की तो उनका ये कहना है कि यहाँ पर्टिकुलर इस हिस्से में अभी कोविड वैक्सीन को लेकर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। कोविशील्ड वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई है इस हिस्से में नहीं थी, तो इस कम से कम इस पॉइंट पर ये एक राहत की सांस जरूर ली जा सकती है। लेकिन इन दोनों प्लांट्स के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी थी। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट सुर्खियों में इसलिए क्योंकि देश में जो स्वदेशी तकनीक से बनी दो वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनमें से एक सीरम इंस्टीट्यूट में ही बनी है और बड़ी उम्मीदों से पूरे देश ने सीरम इंस्टीट्यूट को देखा है। हालांकि जो जहां पर कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो रहा है वो इस प्लांट का दूसरा हिस्सा है। जहां पर आग लगी है वहां पर कुछ भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर काम होना था, लेकिन बेहद चौंकाने वाला ये मामला। और अगर आप तस्वीरों पर भी नजर डालें तो आसमान में काफी दूर तक धुएं का ये पूरा गुबार दिखाई दे रहा है। हालांकि कैसे आग लगी इस कारण की अब आगे जांच होगी। हालांकि अभी तक राहत की बात यह है कि किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर वहां से नहीं है। पंकज खेलकर आ गए हमारे साथ और जानकारी के साथ। पंकज, अभी क्या हालात हैं घटनास्थल पर? देखिए, अभी पूरी कोशिश हो रही है कि ये जो बड़ी सी आग है उसको किसी तरह से कंट्रोल में लाया जाए, उसको बुझाया जाए। 8 से 10 ऐसे फायर टेंडर दमकल विभाग के वहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो आग लगी है, ये जो नया प्लांट है सीरम इंस्टीट्यूट का जो पुणे वाला परिवार ने बनाया है, वो मांझी इस इलाके में है। दोनों प्लांट, पुराना और नया,
एक ही प्रीमाइसिस में, लेकिन दोनों के बीच में काफी फासला है, तो इसलिए जो प्रोडक्शन, जो निर्मित होती है वैक्सीन की, कोविशील्ड जो की फिलहाल पूरे देश दुनिया में यहाँ से सप्लाई की जा रही है, उसका उत्पादन दूसरी जगह पर होता है। और ये जो नया प्लांट है वहाँ पे उनके फ्यूचर प्लांट से कि बहुत ही बड़ी संख्या में जब देश को, दुनिया को इसकी वैक्सीन की जरूरत है, उसका प्रोडक्शन का यहाँ पे पूरा इंतजाम किया हुआ था और स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाने का काम शुरू है, तो वहाँ पर ये आग लगी हुई है। जी पंकज, कैसे अभी वहाँ राहत और बचाव का काम चल रहा है? बचाव का काम जोरों शोरों से चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि दमकल विभाग के अधिकारियों ने जो हमें जानकारी दी है कि 8 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और वो आग बुझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। वजह अभी तक पता नहीं चली है कि आग किस वजह से लगी है, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन काफी हो रहा था, नया बिल्डिंग है और बहुत सी चीजें जो नई मशीनरी है वो भी लाने का काम था बिल्डिंग का। वहाँ पर सिर्फ मशीनरी ही थी मौजूद, मतलब लोग तो नहीं थे? जानमाल के नुकसान को लेकर तो अभी ऐसी कोई आशंका या कोई खबर नहीं? अभी तो ये बातें पता नहीं चल पा रही है कि लोग वहाँ पे है या नहीं, क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है। प्रीमाइसेस काफी बड़ा है और जो फायर फाइटिंग ऑफिसर्स है, दमकल विभाग के लोग है, वो अंदर पहुंच चुके हैं, वो उनकी कोशिश कर रहे हैं, पर अंदर कोई फंसा हुआ था क्या ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जी भैया, शुरुआती जानकारियां अभी मिल रही हैं, जिस बात का जिक्र अभी पंकज भी कर रहे हैं कि पुख्ता तौर पर जब वहां पर लोग दाखिल हो पाएंगे शायद तब कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अभी ये हादसे वाली जगह है तो ऐसे में वहां पर रेस्क्यू टीम्स सबसे पहले काम कर रही हैं। दमकल की 8 गाड़ियां अभी पंकज बता रहे हैं कि वहां मौजूद है। हालांकि एक राहत की बात जरूर ये है कि कोरोना वैक्सीन यहां इस प्लांट में मौजूद नहीं थी, वो इस प्लांट के दूसरे हिस्से में बन रही थी, जिसका जिक्र पंकज यहां पर कर रहे हैं। लेकिन पंकज देखिए, देश भर में जिस उम्मीद के साथ सीरम इंस्टीट्यूट को देखा जा रहा है, जैसे ही आग लगने की एक खबर सामने आई तो पहला जो आपके जहन में पहला ख्याल कौंधता है वो यही था कि कहीं वैक्सीन वाले हिस्से में तो ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। यही पहला सवाल था मैंने, और जो बात हमारी पहले बात हुई फायर फाइटिंग ऑफिसर से तो उनसे यही पूछने की कोशिश की, ये जो आग है ये कौन से इलाके में लगी है, और जब उन्होंने बताया कि नहीं ये सीरम इंस्टीट्यूट का जो नया वाला बिल्डिंग है वहां लगी हुई है, तो एक तरफ से पूरे देश को और दुनिया को राहत है कि अगर नुकसान हो रहा है तो जहां पर पूरा स्टोरेज है, जहां पर उत्पादन शुरू है, वहां ये नहीं हुआ है। गनीमत है कि ये दूसरी जगह पर हुआ है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो नई बिल्डिंग है वहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का लगाना, फिटिंग, ये सारा कुछ चल रहा था और ये बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो चुका था। अंदर जो बाकी के चीजें फिटिंग करनी होती है, जैसे इंटीरियर हो या मशीनरी हो, ये सारा कुछ आखिरी के स्तर पर पहुंच चुका था, तो ऐसे में ये आग लगना तो नुकसान तो बहुत बड़ा होगा। अब जानमाल का नुकसान कितना हुआ है ये अंदाजा अभी लगाना सही नहीं होगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि दुनिया की एक सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी है, 1975 से उनका ये काम शुरू है, 25 प्रकार के अनेक वैक्सीन वो बनाते हैं और दुनिया के 65% बच्चे इनकी वैक्सीन लेते हैं, और जो कि अफोर्डेबल प्राइस में लेती दी जाती है, और इसीलिए इनका नाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप में एक ऐसी घटना जिसने एक सेकंड के लिए तो ऐसी चिंता ज़रूर पैदा की, क्योंकि वैक्सीन का निर्माण जिस तरह से हो रहा है और ऐसे में अभी पहले फेज़ के वैक्सीनेशन में भारत अभी है, दूसरे फेज़ की शुरुआत होनी है, उससे पहले इस तरह की खबर काफ़ी चिंताजनक हो सकती थी। लेकिन राहत की बात यह है कि कोरोना वैक्सीन जहाँ पर बन रही है उस हिस्से में ये आग नहीं लगी है। इस वक्त तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और पंकज हमें लगातार इस बात की जानकारी भी दे रहे थे कि दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, आग बुझाने का काम काफ़ी तेज़ी से अभी वहां पर हो रहा है, इसके बाद ही नुकसान का भी आकलन हो पाएगा कि अभी ग्राउंड पर, घटनास्थल पर एक्चुअल स्थिति क्या है, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ है या वहाँ पर लोग मौजूद थे, कोई अंदर फंसे तो नहीं है, तो ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन दमकल विभाग की गाड़ियां वहाँ पर अभी काम कर रही हैं, फायर फाइटर्स वहाँ पर जुटे हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं वो चिंता ज़रूर पैदा करती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े हिस्से में ये आग फैली हुई नज़र आ रही है। पंकज, किसी और से संपर्क हो पाया, कोई प्रत्यक्षदर्शी या वहाँ से जो लोग निकले हों, किसी का कोई फीडबैक या कोई वर्जन सामने आया? देखिए, ये जो इलाका है ये शहर से थोड़ा दूर है, जो सोलापुर हाईवे है उस तरफ है, मांजरी गाँव जो आता है उस जगह पर है, तो ये जो अभी का वक्त है, ट्रैफिक वाला वक्त है, तो वहाँ पहुँचना भी बड़ा उस तरफ तो सारे लोग जा रहे हैं। दमकल विभाग की तारीफ करनी चाहिए कि वो कम समय में वहाँ पहुँच चुके हैं। अब
फायर फाइटिंग ऑफिसर्स से हमारी बात हुई है, कंपनी की ओर से अभी तक किसी ने कुछ टिप्पणी नहीं की है, तो वो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी आपने बताया कि फायर फाइटिंग ऑफिसर्स ने ही जो जानकारी दी है कि लोग उनके पहुंच चुके हैं, कोशिश है पूरी की जा रही है, लेकिन आग बहुत भयानक है ये भी उन्होंने। पंकज, एरिया कैसा है? ये रिहायशी एरिया है, कमर्शियल इलाका है, किस तरह का एरिया है? देखिए, बहुत ही बड़ा 55 एकड़ में फैली हुई एक कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, और जो इलाका है वो भी वैसे ऐसे नहीं कि कंजेस्टेड है। ये जो बिल्डिंग है पर्टिकुलर जहाँ पर आग लगी हुई है वो भी मैदान के बीचों बीच है, बगल में मैदान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर नीचे उतरते हैं, फिर उसके बाद और एक टर्मिनल 1 नाम से इनका कॉरपोरेट ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पर एक बोइंग उन्होंने खड़ा किया है और बोइंग ने अपनी दफ्तर बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी ऐसी नहीं है ये भी बात भी सच है। पंकज, हमें इस बात की लगातार जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर घटनास्थल पर अभी क्या स्थिति है, लेकिन ये इलाका सीरम इंस्टीट्यूट का जहाँ पर आग लगी है, पंकज बता रहे हैं कि ये शहर से बाहर इलाका है, हालांकि काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पर भविष्य की कुछ योजनाओं के लिए इस प्लांट को बनाया गया था। ये नया हिस्सा है सीरम इंस्टीट्यूट का, लेकिन राहत की बात कम से कम ये कही जा सकती है कि यहाँ पर वैक्सीन का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन अब नुकसान कितना है इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब कोई ऑफिशियल वर्जन वहां से अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है। दमकल विभाग वहां पर मौजूद अभी आग बुझाने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। करीब 1.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, दूरी है दोनों प्लांट्स के बीच में। यहाँ पर मशीनरी, इक्विपमेंट, ऐसे सामान रखा था, लेकिन क्या वहाँ लोग भी फंसे थे ये अभी सवाल बना हुआ है। इस पर इंतज़ार करना होगा, कोई आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पहुँचे। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है, जितनी जानकारी सामने आई है वो दमकल विभाग की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया या उनसे सवाल जवाब करके जो जानकारी मिली उतना ही मालूम है, लेकिन इंतज़ार करना होगा कि इसके बाद कुछ पुष्ट तौर पर और आगे जानकारी मिल पाए। कैसे आग लगी ये सवाल बार बार जहन में आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि बेहद शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं इसलिए इस पर भी कुछ अभी वजह मालूम नहीं चल पाई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की नई बिल्डिंग में आग लगने की ये घटना सामने आई, जिसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। बड़े हिस्से में धुएं का गुबार भी आप देख पा रहे हैं। नया प्लांट था ये, यहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स के लिए काम चलना था और उसी के तहत यहाँ पर मशीनरी और बाकी इक्विपमेंट रखे गए थे, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ कम से कम अब जहाँ जिस हिस्से में वैक्सीन बन रही है वो हिस्सा यहाँ से दूर है। इस प्लांट में कोरोना वैक्सीन नहीं बन रही थी, कोविशील्ड जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। दोनों ही प्लांट्स के बीच करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी है। पुणे के बाहरी हिस्से में, बाहरी इलाके में दरअसल ये प्लांट मौजूद है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी इस पर कोई स्टेटमेंट या कोई बयान नहीं आया है। दमकल विभाग की 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद जो आग बुझाने में जुटी हैं, लेकिन आग कैसे लगी अभी ये कारण नहीं पता। लगातार आपको बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं पुणे से, जहां सीरम इंस्टीट्यूट के एक हिस्से में, एक प्लांट में आग लगने की घटना सामने आई है। हालांकि कैसे आग लगी अभी इस वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि यहां पर कोरोना वैक्सीन का निर्माण इस पर्टिकुलर हिस्से में नहीं हो रहा था। पंकज खेलकर आ गए और जानकारी के साथ। पंकज, कुछ और डिटेल्स मिल पाई इस पर? तीन जो वहां पे जो कर्मचारी है उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है, यानी ये बात थोड़ी स्पष्ट हो रही है या पता चल रही है कि कुछ लोग फंसे भी होने की आशंका है। 3 लोगों को वहां से निकाला गया है, जो दमकल विभाग के वहां पे जो लोग हैं उनसे ये जानकारी आ रही है। 10
दमकल गाड़ियां वहां पर मौजूद है। बड़ी आग है, नए प्लांट में ये आग लगी हुई है और जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है सब तरफ, उससे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर बहुत ज़्यादा कुछ आग अभी भी जारी है और इसको काबू में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी पंकज जी, की जो है नया वीडियो सामने आया है जो इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं, ये कहाँ से मिला है, ये क्या एम्प्लॉयज की तरफ से मिला है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं उसमें कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। जो वहाँ पे मौजूदा जो लोग हैं उन्होंने ये जो वीडियो निकाला हुआ है, जो चश्मदीद है, जो अंदर काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि जो हम वहाँ पर गए थे पहले भी ये पूरा वैक्सीन के शूट के दरमियान भी जो पता चला है कि लोग वहाँ से बाहर आते थे, यानी लोगों का अंदर काम करना भी शुरू था। जिस प्रकार से वहाँ पे प्रोडक्शन का काम चलता है, बाकी के कर्मचारी जो कि कंस्ट्रक्शन निर्माण के जो लोग हैं वहाँ पे, तो इस नए प्लान में भी काम शुरू कुछ हद तक हो गया है। तभी वो ये जो वहाँ पे आग लगी है और जो मशीनरी है वहाँ पे उसको लेकर कुछ हो गया है क्या, या जो स्टोरेज है वहाँ पर, क्योंकि विविध प्रकार की जो वैक्सीन बनती है उसका निर्माण और स्टोरेज दोनों का काम यहाँ पर होता है, तो ये सारी बातें वहाँ पर समझ में आ रही है कि नुकसान बहुत बड़ा है। कोशिशें हो रही है, 3 कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है। जी कितनी देर पहले आग लगी है पंकज? ये 2:30-3 के करीब पहला कॉल फायर टेंडर को मिला है। जो अधिकारियों ने हमें बताया है कि 2:35 का ये कॉल है जब उन्हें पता चला, और उसके बाद क्योंकि हड़पसर इलाका है वहाँ पर एक फायर स्टेशन है, वहाँ पर इतनी गाड़ियाँ नहीं होती है, बाकी की गाड़ियाँ जो हेडक्वार्टर है वहाँ से, जो कि भवानीपेट में, यहाँ से वहाँ जाने में काफ़ी फासला है, और जो रास्ते है जो ट्रैफिक है उसको पार करके 10 गाड़ियाँ वहाँ पहुँचने में भी समय लगता है, लेकिन गनीमत है कि वहाँ पर सारे फायर टेंडर पहुँच चुके हैं और कोशिशें पुरजोर जारी है। पंकज देखिए, हम ये भी कह सकते हैं कि जहां आग लगी है वो जगह कोरोना से लड़ाई में भारत का ग्राउंड जीरो है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट से ही बनी है, क्या ये पुख्ता तौर पर कहा जा रहा है कि यहां पर कोरोना वैक्सीन या उससे जुड़ा कोई एक्टिविटी, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा था इस पर्टिकुलर प्लांट में? जो हमने वहां पर देखा है मीनाक्षी, अभी तक के जो प्रोडक्शन निर्मित लेबलिंग, पैकिंग और डिस्पैच ये पुराने जगह पर हो रहे थे, उनका स्टोरेज भी जो है क्योंकि उनके बिल्डिंग 55 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा प्लांट है, तो जो स्टोरेज है वो भी पुराने इलाके में ही है जो कि हड़पसर इलाके में आता है। ये जो नया प्लांट है ये मांझरी इलाके में आता है, लेकिन दोनों भी प्लांट जुड़े हुए हैं। अंदर वहाँ पे तकरीबन 1 किलोमीटर का उनका खुद का निजी तौर पर एक उन्होंने ब्रिज भी बनाया हुआ है ताकि वो एक अंदर ही अंदर ये रास्ता पार कर सके। तो ये पुष्टि तो इस बात की है कि जो कोरोना वैक्सीन है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, उसका निर्माण कहीं और हो रहा है। अब ये जो नया प्लांट है जहाँ पे नई मशीनरी लगी हुई है वहाँ पर भी अगर ये जिस प्रकार से मांग बढ़ती जा रही है और जिस प्रकार से इन्हें पूरे दुनिया को सप्लाई करना है वैक्सीन, वहाँ पर जो नया प्लांट है क्या वहाँ पर उन्होंने शिफ्ट किया है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी तक का जो भी प्रोडक्शन है वो पुराने प्लांट में ही होता है। जी पंकज, आप तो खुद यहाँ सीरम इंस्टीट्यूट गए थे और आपकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी कि वहाँ कैसे काम हो रहा है, किस तरह से वैक्सीन बन रही है, उसका रखरखाव हो रहा है, उसको स्टोर किया जा रहा है, लेकिन अब जब ये घटना सामने आई है कंपनी की तरफ से क्या अभी कुछ कहा गया है, या आप जब इन तस्वीरों को देख रहे हैं आप इस घटना की इंटेंसिटी या नुकसान को किस तरह से समझ पा रहे हैं? देखिए, जो दूर से जो धुआं दिखाई दे रहा है और जो धुएं का गुब्बारा है उससे से ये पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ा भयानक आग है जिसको कोशिशें जारी है। केमिकल्स भी हो सकते हैं, बाकी के जो स्टोरेज है वो भी है, और जो प्लांट का निर्माण हो रहा है तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी है, सारी चीजें वहां पे हो रही है। लेकिन ये बात सही है कि जो कोविशील्ड है उसका स्टोरेज और निर्मित कहीं और है, यहाँ पर वो शिफ्ट करने वाले हैं या यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। दूसरा वैक्सीन जो बनता है BCG बनता है, RBC बन रहा है, वो वहाँ पर उसका निर्माण वहाँ हो रहा है क्या, ये बात जब कंपनी वाले बताएंगे तभी उसकी पुष्टि होगी। जी अभी पंकज, कोई स्टेटमेंट कुछ कंपनी की तरफ से आया है क्या या आने की उम्मीद? अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आधिकारिक रूप से कंपनी की ओर से नहीं आया है, जो भी बातें हो रही है वो दमकल विभाग के अधिकारियों से ही बातें हो रही है। जी पंकज, हमें लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बेहद बुरी खबर ये जहाँ पर
भारत की कोरोना कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है ये उसका ग्राउंड जीरो है, ये जगह जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में भी कि देखिए कितना बड़ा ये एरिया है जहां पर ये आग फैली हुई है। और पंकज हमारे साथ मौजूद है, पंकज खेलकर, वो खुद यहां पर गए थे, उन्होंने रिपोर्ट्स फाइल की थी जिस दौरान वैक्सीनेशन से पहले जब ये दिखाया गया था कि वहां पर अभी कैसे वैक्सीन का रखरखाव हो रहा है, कैसे निर्माण हो रहा है। लेकिन अभी बेहद चिंता भरी खबर वहां से मिल रही है। हालांकि कंपनी की तरफ से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा तो इस पर और ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि कोरोना वैक्सीन यहाँ पर नहीं बन रही है। लेकिन क्या स्टोरेज या किसी तरह का और ऑपरेशन इस हिस्से से जुड़ा हुआ है वैक्सीन का, उस पर कोई भी कंफर्मेशन या आधिकारिक बयान कंपनी ही दे पाएगी। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जहां पर भारत की भी कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है। पूरी तरह से सुरक्षित ये जगह, लेकिन ये आग लगने की जो घटना सामने आई है ये एक ऐसे समय में सामने आई है जब अभी भारत में पहले फेज का वैक्सीनेशन चल रहा है, दूसरे फेज की शुरुआत होनी है। पहले फेज में 7 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आई, दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन है। पुणे के चीफ फायर ऑफिसर प्रशांत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसका ग्राउंड जीरो है। क्या अभी इनपुट्स आपके पास हैं, घटनास्थल पर क्या स्थिति है, अभी कितना गंभीर है यह हादसा? तो 3 फ्लोर पर आग लगी हुई है, उसका धुआं को बहुत ज्यादा है, तो धुएं की वजह से आग बुझाने में परेशानी हो रही है। और करीब 4 लोग फंसे हुए थे, इस तरह से हमको जानकारी मिली। उस तरह से हमने 3 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला है, अभी भी सर्च और फायर फाइटिंग दोनों काम चल रहे हैं। जी सर, 4 ही लोग अंदर थे या और भी लोग फंसे हो सकते हैं यहाँ पर? मैं उसके बारे में जानकारी नहीं है मैम, हम लोगों को 4 लोग फंसे इस तरह से बताया गया। जी सर, कितना समय हो गया है अभी आप लोगों को यहाँ पर ऑपरेशन चलाते हुए? नहीं, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। कोई क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कब तक ये आग कंट्रोल में आ जाएगी? नहीं बता सकते। ओके, आग कैसे लगी सर, इस पर कोई जानकारी अभी उपलब्ध है? नहीं जी। अभी सर, अभी कितनी टीम्स आपकी वहाँ पर मौजूद हैं इस ऑपरेशन के लिए? 15 गाड़ियाँ हैं हमारी। जी सर, कितना बड़ा हिस्सा है ये जिसमें आग अभी लगी है? नहीं नहीं बता सकते। ठीक है, धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो पुणे के चीफ फायर ऑफिसर थे जो हमें जानकारी इस बात की दे रहे हैं कि 4 लोग अंदर फंसे थे, इस बात की जानकारी मिली थी, 3 को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन क्या और लोग भी अंदर हो सकते हैं, अभी कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़ा हिस्सा जिसमें आग इस वक्त लगी है, 3री मंजिल वो बता रहे हैं जहाँ पर आग लगने की ये घटना सामने आई है। पुणे का ये सीरम इंस्टीट्यूट जहाँ पर कोरोना के लिए वैक्सीन तैयार की जा रही है, लेकिन पहला फेज जबकि भारत में पहले से ही चल रहा है। हालांकि हमारे संवाददाता बार बार ये बात कह रहे हैं कि यहाँ इस हिस्से में कोरोना वैक्सीन का निर्माण नहीं हो रहा था, ये कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसका ये एक नया प्लांट है। लेकिन अभी वहाँ क्या स्थिति है और नुकसान कितना हुआ है, ये सवाल तो ज़रूर मन में है, चिंता भी इस पर काफ़ी है। लेकिन जब ये ऑपरेशन खत्म हो पाएगा, आग कंट्रोल में आएगी, काबू में आएगी, उसके बाद ही इस पर पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। आग लगेगा। सीरम इंस्टीट्यूट हर साल 1.5 बिलियन वैक्सीन का निर्माण करता है। 1966 में साइरस पूनावाला ने सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। हालांकि शुरुआत में टिटनेस और एंटी वेनम फॉर स्नेक बाइट्स इसका निर्माण शुरू किया, लेकिन बाद में पोलियो वैक्सीन भी बनाना शुरू किया। और अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो हर साल 1.5 बिलियन वैक्सीन का यहाँ निर्माण होता है। ये दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और अगर आज के दौर की बात की जाए, आज के दिन की भी इनफैक्ट अगर बात की जाए, तो भारत जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और ऐसे में भारत उन देशों में अभी शामिल है जहां पर वैक्सीन को लेकर जिस तरह से एक बड़ा टीकाकरण अभियान हुआ है, उसमें सीरम इंस्टीट्यूट एक बड़ी उम्मीद की किरण, बल्कि दूसरे देशों को भी सप्लाई हुआ। लेकिन अभी जो परिस्थितियां वहां पर हैं, आग लगने की इस घटना ने सबको
चौंकाया है। पंकज खेलकर आ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। पंकज, फायर ऑफिसर से हमने बात की अभी, हालांकि वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं कि कितना बड़ा हिस्सा है जहां पर आग लगी है और क्या और लोग भीतर हो सकते हैं। कह रहे हैं कि तीन को बाहर निकाला गया है, कुछ और जानकारी अभी आपको नहीं मिल पाई है? नहीं, जानकारी यही आ रही है कि ये जो नया बिल्डिंग है जो कि मानसरी इलाके में है, यहाँ पर BCG वैक्सीन का निर्माण होता था, यहाँ पर कोविशील्ड का निर्माण नहीं होता है। बिल्डिंग का आधे से ज्यादा हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन था। जो BCG वैक्सीन है वो भी सेफ है, तीन लोगों को वहाँ से बाहर निकाला गया है। और जो अच्छी खबर है, इस बुरी खबर में जो अच्छी खबर है कि कोविशील्ड वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, वो दूर है और उसका निर्माण भी कहीं और हो रहा है। ये जो नया प्लांट है जो कि 300 करोड़ के लागत से बनाया गया है, पूनावाला परिवार का जो एक सपना है या दूरदृष्टि है कि दुनिया को जो वैक्सीन की जरूरत है उस हिसाब से उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर यह बहुत ही बड़ा ऐसा प्लांट का निर्माण किया हुआ है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाई जानी है और BCG वैक्सीन का निर्माण यहाँ पर हो रहा था। और ऐसे में यहाँ पर जो आग लगी हुई है उस सेक्शन में लगी है जिस बिल्डिंग में BCG का निर्माण हो रहा था, लेकिन वो भी उसका स्टोरेज भी सेफ है, ऐसी हमें जानकारी अंदर से आ रही है। तीन कर्मियों को वहाँ से बाहर निकाला गया है, वो सही सलामत है। 10 दमकल विभाग की गाड़ियां मौजूद है घटनास्थल पर और वो आग बुझाने की पूर्ण कोशिश कर रहे हैं। जी, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया Terminal 1 जहाँ पर ये आग लगी है वो बोर्ड में दिखाई दे रहा था। नया ये प्लांट है जहाँ पर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए काम हो रहा था। फिलहाल वहाँ पर दमकल विभाग अभी काम कर रहा है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जाए। तीन लोगों को यहाँ से बाहर निकाला गया है, जबकि जो प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी मिली, फायर ऑफिसर ने हमें ये बताया कि वहाँ पर चार लोगों के भीतर होने की खबर थी, तीन को बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन क्या और लोग भी फंसे हो सकते हैं, अभी पुख्ता तौर पर इस पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। 2:30-3 बजे के करीब पहला जो फोन कॉल है वो दमकल विभाग को मिला, इस तरह की जानकारी मिल रही है। लेकिन राहत की बात सिर्फ ये कही जा सकती है कि कम से कम कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जिसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है वो यहाँ इस हिस्से में प्लांट के नहीं बन रही थी। भारत समेत कई और देशों में सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की सप्लाई कर रहा है और इसीलिए ये खबर जैसे ही सामने आई तो अचानक जो पहला शक या संशय दिमाग में आया वो यही था कि कहीं वैक्सीन वाले हिस्से में तो ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये मालूम चल पा रहा है कि वैक्सीन इस हिस्से में नहीं बन रही थी। ये दो तस्वीरें जो वहाँ की मिल रही हैं, Terminal 1 है ये हिस्सा जहाँ पर आग लगी है। आग लगने के कारणों पर अभी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। पंकज, कुछ खबर इस तरह से निकल कर आ रही है कि कब तक आग पर काबू पाया जा सकता है, अभी क्या वहाँ पर एक्चुअल स्थिति है? देखिए, आग पर काबू जल्द ही पाया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से आग, जो भीषण आग समझ में आ रही है, जो आग का गुब्बारा, धुएं का गुब्बारा जो दूर से भी दिखाई दे रहा था, तो आग बड़ी है, कोशिशें हो रही है और उसे जल्द ही काबू में कर लिया जाएगा, ऐसा दावा फायर फाइटिंग ऑफिसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तो आग काबू में नहीं आई है। पंकज, ये भी है कि सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस के खिलाफ चार और वैक्सीन पर भी काम कर रहा है कोविशील्ड से अलग, तो यहाँ पर किसी भी तरह का वैक्सीन का कोई निर्माण नहीं हो रहा था, ये बात कंफर्म है क्या, क्लियर है? यहाँ पर BCG जो वैक्सीन है उसका उत्पादन होता है, लेकिन वो सेक्शन भी सेफ है ऐसा बताया जा रहा है। यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा है, तो बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। वहाँ पर जिस प्रकार से हमें देखने को मिला कि बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं बिल्डिंग को कलरिंग करने के लिए या जो ग्लासेस लगाने के लिए, वो भी वहाँ पर थे। अंदर भी फर्नीचर का काम हो रहा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जो अलग अलग मशीनरी होती है वैक्सीन निर्मित की या पैकिंग की या लेबलिंग की, वो भी वहाँ पर फिटिंग का काम हो सकता है और स्टोर भी हो सकता है। लेकिन इस बिल्डिंग में पर्टिकुलरली जो कि हेलीपैड के बिल्कुल सटे हुए इलाके से है, बीच में मैदान है और फिर बिल्डिंग है, यानी गेट के पास Terminal 1 ऐसा एक ब्लॉक है जहाँ पर अधर पुनावाला का एक ऑफिस है जो कि एक प्लेन बना हुआ है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा मैदान है जहाँ पर हेलीकॉप्टर का लैंडिंग है और उसके बाद ये नई सी बिल्डिंग है जो कि जहाँ पर आग लगी हुई है और इसी बिल्डिंग में BCG वैक्सीन का निर्मित होती है, ऐसे हमें
अंदर से पता चल रही है और वहां पर और कोई वैक्सीन का निर्माण नहीं होता है, ये भी बात अभी तक स्पष्ट हुई है। बिल्कुल, हम भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि और जानकारी जुटाकर अपने दर्शकों को दें, क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट में जो आग लगी है ये खबर देखिए इसलिए भी और ज़्यादा अहम हो जाती है क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण कंपनी है। सीरम इंस्टीट्यूट का ये दावा है कि ज़्यादा संख्या और कम कीमत इसका USP है और कोरोना से लड़ाई में इसीलिए सीरम इंस्टीट्यूट की भूमिका बहुत बड़ी है। और यही वजह है कि जैसे ही ये खबर सामने आई अचानक एक चिंता ज़रूर जहन में पैदा हो गई कि कहीं कोरोना के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है ये कहीं एक झटका उसके लिए ना साबित हो। लेकिन अभी तक राहत की बात ये है कि जहाँ पर वैक्सीन का निर्माण हो रहा था वो हिस्सा अलग था। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।